Hi friends, welcome back to another video. In this video we are going to talk about verbs with two objects. किसी सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट होता है तो किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. तो कौन से सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स होता है और उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, चलिए इस वीडियो में सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. यहाँ पे एग्जांपल है, मैं तुमको एक कलम देता हूँ. मैंने इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया है. इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तुमको, मैं तुमको एक कलम देता हूँ और एक कलम. तो मैंने इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया है. I give a pen to you. मैंने दो तरीके से एक ही सेंटेंस को बनाया है क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे मैंने टू का यूज किया है और इसमें टू का यूज नहीं किया है. तो चलिए क्या है इसका रूल्स, कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को कहते हैं जब किसी चीज के बारे में बात किया जाएगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लिविंग थिंग. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों किसी सेंटेंस में साथ में आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है. यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको दो तरीके से बना सकते हैं. यहाँ वर्ब में कोई भी वर्ब आ सकता है, चाहे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, चाहे कोई सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट का वर्ब अप्लाई करेंगे, अगर पास्ट का हो तो पास्ट का, अगर फ्यूचर का हो तो फ्यूचर का वर्ब अप्लाई करेंगे. और दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे तो यहाँ पे टू का यूज करना होगा, तब जाके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा. अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे कोई टू की जरूरत नहीं है, हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं. तो कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया. अब देखते हैं इस सेंटेंस में, मेरा भाई मुझे पैसा देता है. इस सेंटेंस में कौन सा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मेरा भाई मुझे, तो मुझे, मैं एक लिविंग थिंग हूँ, मुझे व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूं, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और पैसा, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट है पैसा. पैसा नॉन लिविंग थिंग है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो इसको हम पहले फॉर्मूले पे सेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसका हो जाएगा मेरा भाई, माई ब्रदर. यहाँ पे प्रेजेंट का है तो गिव्स हो जाएगा, माय ब्रदर गिव्स. और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे का मी और पैसा का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक देंगे मनी, माय ब्रदर गिव्स मी मनी. और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, माय ब्रदर यहां पर भी गिव्स होगा, माय ब्रदर गिव्स. यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पैसा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग यही है पैसा. और मुझे इनडायरेक्ट है, तो पहले मनी, माय ब्रदर गिव्स मनी, फिर यहाँ पे टू का यूज करेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मुझे है, तो मुझे का मी, माई ब्रदर गिव्स मनी टू मी. सो आई होप आपको समझ में आ गया. सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.